महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत, परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे माननीय सदस्य माननीय सदस्य मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2009 को की विशेष तारीख के मामले संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी। चार दिन है, आप सुने, आप हमारी आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले। मैं एक मिनट आप बात सुनो, ऐसे मत करिए, आप पूरी बात सुने, आप स्पीकर की बात पूरी सुने, सुरेश जी आप पूरी बात सुने स्पीकर की। महात्मा गांधी जी के हत्या के मामले के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी सदन में या सदन से बाहर कहीं भी महिमा मंडित करने का सदन इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए एक मेरी पूरी बात पूरी इसलिए कल माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी सदन के अंदर सरकार की तरफ से आपका अधिकृत बयान दिया। फिर आपने माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय सदस्य का ये बयान सदन की कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाहर मीडिया में चला गया है। नहीं, बाहर मीडिया चला है, इसलिए मैंने माननीय सदस्य कहा कि वह इसको लेकर अगर कोई टेस्ट पोस्ट, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं 2 मिनट मेरी बात करने के बाद, और इसलिए माननीय सदस्य को मैंने आग्रह किया और माननीय सदस्य ने इस पर माफी मांगी है कि ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। अब आप बोले, अब आप बोले सर, एक मिनट अब आप बोले सर, देखिए ये सिर्फ एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, आप इनको बोलने दें। आप बोले सदन, आप पहले जब भागे सदन की बिठाओ, आप बिठाओ सबको सर, सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं, और इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। अगर ये निंदा से
देश को बचाने का जिम्मेवारी सरकार को भी है, आपको भी है। महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। ये जो अगर ये आप जो सदन, ये जो नुमाइंदे हैं, मालीगांव बम विस्फोट की अरे नो तो मालीगांव कार्रवाई भी नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं जाएगा। ऐसा मान्य सदस्य कैसा आरोप नहीं लगा सकते आप? नो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं।